मुझे साथी चाहिए कोई जो मेरे साथ पहाड़ों पे जाए, बर्फ के लुत्फ उठाए। देखो मैं मजबूर हूँ, मुझे भूख लगी है तो मैं ये खा रहा हूँ, आप प्लीज इसको घर पे ट्राई मत करना। घर के बाहर धोखे वगैरह हो रहे ठीक, घर के अंदर ही जब धोखे हो रहे बाहर से क्या एक्सपेक्ट करोगे। मैं तंग आ गया हूँ यार, मैं सच्ची तंग आ गया। हेलो एजी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है, होप यू आर डूइंग बेमिसाल। आज ना मॉर्निंग हो चुकी है बहुत ही ज्यादा गुड वाली, क्योंकि मौसम है सुहाना, बाहर हो रही है बारिश, और अगर यहाँ पे बारिश हो रही है ना पहाड़ों पे हो रही होगी बर्फबारी। मुक्ति चलेगी मेरे साथ थोड़ा घूमने फिरने? यार यहीं पे ठंड इतनी है, मैं इतने भी खुश हूँ, इससे ज्यादा ठंड नहीं मुझे। गाड़ी में रही हो यार, चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं। मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि मुक्ति बाहर बैठी क्यों हुई है, क्योंकि यूजली ये बाहर बैठती है जब इसको सेकनी होती है धूप पर। बारिश बारिश में क्या कर रही है यहाँ पे तू? अच्छा लग रहा है ना, चल और अच्छा लगाऊंगा, चल मेरे साथ घूमने चलना, घूमने चलते हैं क्या? आ जाना थोड़ा घूम के। उसके बाद मैं दो तीन काम देखती हूँ, कुछ करना है उसके बाद देखती हूँ। इतनी मुश्किल से घर पहुँचे हैं। तो ये बहुत ज्यादा दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा, मेरी बीवी नहीं मान रही है घूमने फिरने के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मैं मुक्ति के साथ बैठ के बारिश देखता हूँ, इंजॉय करता हूँ। भाई साहब इस बारिश में मुझे दिख रहे हैं खतरों के खिलाड़ी, मतलब बारिश तेज हो रही है, भैया दूध बेचने निकले हुए हैं। मुक्ति अगर तेरी ये जॉब होती तो कर पाती? और आज बारिश के मौसम में मम्मा ने बनाया है चीला चीला, जो हो जाएगा गीला गीला। यस, आज तो भगवान ने मेरी सुन ली है, स्नोफॉल देखने का मन था और चंडीगढ़ में पड़ चुके हैं इस टाइम पे ओले। भाई साहब चिट्टे 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 ओले पड़ गए, रोड पूरी चिट्टी हो चुकी हुई है, गजब। एंड गल बात मौसम, बहुत ही ज्यादा सालों के बाद चंडीगढ़ में ओले पड़े होंगे आज तो ना, मतलब मेरा ये मन कर रहा है भगवान से कुछ और मांग लेता तो वो भी मिल जाता। ओए होए ये क्या, पापा कह रहे कि जा ओलों में जाके अपना सिर भिजवा के आ। ओए होए आपको दिखाता हूँ, ओ तेरी दी ये सारी रोड चिट्टी हुई पड़ी है। ओए होए ओले गजब। अभी ना मैं थोड़ा सा ही बाहर गया था, ये चेक करो ओले मेरी जैकेट के अंदर फंस चुके हुए हैं, और बारिश इतनी तेज हो गई है ना ओले और ज्यादा पड़ रहे हैं नजारे आगे। और पिताजी कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा स्नोफॉल चंडीगढ़ में पापा ने आज तक नहीं देखी है। आपको चंडीगढ़ में रहते कितने साल हो गए हैं? 83 के बाद देख लो 40 साल। 40 साल में इतनी बर्फ नहीं देखी आपने चंडीगढ़ में, गजब। मुक्ति मेरी प्लीज बात मान ले, पहाड़ों पे चलते हैं यार। चुपचाप बैठ जाओ इधर और स्वेटर पहनो ठंड लग जाएगी। ऐसे ही देख लो, मम्मी यहाँ पे अभी भी थोड़ी कम है, मतलब वो देखनी है। मेरा मन करता है ज्यादा ठंड को, मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं, ठंड अच्छी। मैं चाहता हूँ मैं जाऊँ बर्फ में, मेरे पैर इतने इतने बर्फ में हुए। चलो आप चलो मेरे साथ, ये तो नहीं जाएगी, ये तो गर्मियों वाली है। बर्फ ऊपर आ जाएगी। इस घर के सारे सदस्य जो है ना, सदस्य जो भी होता है वो मुक्ति की टीम में हो चुके हुए हैं। भाई मेरी बात में मजाक बनाते रहते हैं, यहाँ पे रख लो, मुझे साथी चाहिए कोई जो मेरे साथ पहाड़ों पे जाए, बर्फ के लुत्फ उठाए, यही स्नोफॉल एंजॉय करते हैं। अभी ना घर पे पापा देख रहे हैं शार्क टैंक, जिसपे बंदा लड्डू बेच रहा है, और हमारी माता जी को आइडिया मिल चुका है शार्क टैंक में जाने का, क्योंकि एट द सेम टाइम मम्मा यहाँ पे लड्डू बना रहे हैं। शार्क टैंक देख रही हूँ, उसमें उसने शहद घी और साथ में लड्डू भी। ये तो आप घर पे निराशी कर लेते हो, तो घर में बन जाते हैं। ये देखो मैं बैठे बना रही थी, कुका बनाया मैंने। मम्मा कितने की इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, मैं दूंगा, बताओ बताओ, आप करने वाले बनो, आपका मैं दुकान खोलूंगा, ढाबा खोलूंगा एक घर खाने के लिए, आपका शार्क मैं बनूंगा। देखो अगर आप भी मम्मा के हाथ के लड्डू खाना चाहते हो तो इनको मोटिवेट करो, कमेंट करो कि आंटी यू नीड टू ओपन ए ढाबा जहाँ पे ये लड्डू मिले, खाना मिले, बढ़िया बढ़िया आया है। ये मियाँ भी मतलब पापा और मम्मा दोनों वहाँ पे बावर्ची बन जाए, आपको बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिले, तो कमेंट कर देना जो भी आपका कमेंट करने का मन करे। और सॉरी मैंने ये लंगड़े के पैर के ऊपर पैर रख दिया अपना। चलो एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, बार बारिश की वजह से कपड़े अंदर सूख रहे हैं घर के, हर घर की कहानी है ये भी, है ना। वैसे एक चीज है, मम्मा ने तिल के लड्डू बनाए, बहुत ही ज्यादा स्वाद है, मुक्ति की फैक्ट्री पे ओम धातु की, क्योंकि इसको ओम धातु का भी काम देखना है। मैं ड्राइवर हूँ, मैडम को लेकर जा रहा हूँ काम पे। और अभी मैं आई हूँ ओम धातु की फैक्ट्री।
फैक्ट्री, मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया अपनी फैक्ट्री के दर्शन किए को, थोड़ा सा गिड़ा गुड़ा मार के आते हैं, देखते हैं काम कैसा चल रहा है, और अभी हमारा ऑयल भी लॉन्च होना है तो उसकी बहुत सारी तैयारियां करने को पड़ी है। Meanwhile, मुक्ति को ऑफिस ड्रॉप करके मैं आ गया था स्टूडियो और सोच रहा था यहाँ पे मूवी देखूंगा, परंतु यहाँ पे बिजली हो चुकी है, गो वेंट गॉन, और भूख लगनी हो चुकी है शुरू, और यहाँ पे सिर्फ नूडल्स की ऑप्शन है जो अभी मैं बनाऊंगा और खाऊंगा। पर उससे पहले चीज दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो स्टूडियो में प्याज की क्या हालत हो चुकी हुई है, फार्मिंग कर रहे हैं हम प्याज की यहाँ पे। मेरे को ना एक चीज कमेंट करके जरूर बताना, ये जो प्याज है ये खाने लायक है या नहीं, अभी मैं इसको बचा के रखूंगा, प्रिजर्व करके रखते हैं हम। अगर खाने लायक नहीं है तो इसको खेती में यूज कर लेंगे, उग तो रही है, जमीन के अंदर गाड़ देंगे कि आप तो और बेटर हो गए। अभी ना मैं क्रिएट करने लगा था एक बहुत ही तगड़ा फ्यूजन, वाई नूडल और ये वाले नूडल मिक्स करके बनाने लगा था, और ये पैकेट में डाल चुका था, और वैसे ही मेरा मन किया कि एक बार एक्सपायरी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था ये नूडल्स बहुत देर पहले खरीदे थे और इसकी एक्सपायरी एक साल पहले ही ओवर हो चुकी हुई है, मतलब एक साल टाप चुका है इसकी एक्सपायरी हुए को। आई थिंक जब मैं और मुक्ति स्पीति गए थे ना, तब शायद रास्ते में ये छोटा पैकेट वाई का लिया था और अभी तक पड़ा हुआ था। बहुत ही तगड़ा फ्यूजन होने से रह गया हुआ है, नॉर्मल नूडल्स बनाते हैं, नॉर्मल नहीं, ये भी पता नहीं कौन से निसिन कंपनी के, जो ऑप्शन है वही खा लेते हैं। वैसे खाने के लिए हमारे पास कोरियन 2x नूडल्स भी है, पर अभी फिलहाल मेरा खतरों के खिलाड़ी बनने का कोई मूड नहीं है, तो हम स्पाइसी नूडल नहीं खाएंगे, ये बनाते हैं। फ्यूजन जो है वो मैंने कर ही दिया, एक्चुअली नूडल बनाते बनाते मुझे लगा पानी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो पानी कम करने की बजाय मुझे मैगी आटा नूडल्स दिखी जो कि मैं इसमें डाल चुका हूं, और कोई तगड़ा फ्यूजन ही बनेगा ये, वाओ, मिक्सचर ऑफ टू नूडल्स। और मैं आपको देना चाहूंगा एक बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट रिव्यू, देखो मैं मजबूर हूँ, मुझे भूख लगी है तो मैं ये खा रहा हूँ, आप प्लीज इसको घर पे ट्राई मत करना, ना कभी खाना, नहीं अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। ओके बाय बाय पापा, बाय आश, बाय आदि, बाय बाय। क्या गंदा सा मुंह बनाया 2 रुपए वाला, ऐसे ही है, क्या करें। एंड हेयर कम्स ओंकार सिंह रंधावा जी, ओ तेरी दा, क्या लाया खाने को, थैंक यू सो मच। और अभी घर पे आके ना मुक्ति का सिर जो है वो दुखना शुरू हो चुका है, तो मैं लगा हुआ हूँ इसका सिर दबाने, और सिर दर्द का रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये सामने न्यूज, ये तुम्हारा हर टाइम न्यूज चलती रहती है, सिर दर्द की दुकान है ये, खुद का सिर दर्द हो रहा है मेरा, इसकी वजह से थोड़ी हो रहा है, मेरा वैसे ही हो रहा है, तो वो घर वालों के सामने बस बोल दे रही है, वही है रीजन। मेरे को ना एक चीज कमेंट करके बताओ, क्या आप न्यूज देखना पसंद करते हो, और अगर करते हो तो क्यों करते हो, स्पेशली पॉलिटिक्स वाली न्यूज, आपको क्या मिलता है न्यूज देख के, अगर किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले ठीक है, बट डिबेट उससे क्या मिलता है, तुझे क्या मिलता है? मेरे को लगता है लोगों को मजा आता है। क्या मजा आता है, मजा दे चाहिए तो OMG व्लॉग्स देख लिया करो। हाँ और बता, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताना, मैं तो परेशान हूँ अपने घर वालों से। पापा क्या मिलता है आपको न्यूज देख के, मिलता है? क्या मिलता है, मतलब अपडेट रहते हैं, अपडेट, ये क्या अपडेट है बताना, ये तो वो माहौल क्या है भारत का वो पूछ रहे हैं, ये अपडेट तो नहीं है ना, नहीं लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन वीडियो चल रही है, जैसे यूट्यूब पर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो है। देखो घर पे न्यूज देख के तो मेरा मूड खराब हो ही रहा था, ऊपर से माता जी ने मेरे साथ धोखा करके और मूड खराब कर दिया, कहते हैं फ्राइड राइस बने, ये फ्राइड राइस की शक्ल देखो जो मैंने खाए, ये फ्राइड राइस नहीं थे, ये धोखा था, चावल के अंदर हल्दी डाल के साथ में जीरा, ये फ्राइड राइस कब से होने लग गए बाबा, बस नाम ही देना था फ्राइड राइस का, दे दिया, धोखा धोखा हुआ है मेरा, माता मेरी बहुत धोखा करने लगी हुई है, और ऊपर से बोल रहे आजकल तो धोखा ही धोखा है, सरकारें धोखा कर रही है, और क्या धोखा हो रहा है, दिखाया कुछ जाता है होता कुछ है, ऐसे ही होता है आजकल। देखो घर के बाहर धोखे वगैरह हो रहे ठीक, घर के अंदर ही जब धोखे हो रहे बाहर से क्या एक्सपेक्ट करोगे। और अभी हम जाने लगे हैं मार्केट, और हमसे मेरा मतलब मैं और पापा, क्योंकि हमारे जो कुत्ते हैं वो शुद्ध मांसाहारी है और उनका मांस खत्म हो गया, मांस लेने जा रहे हैं। तो जी माल पत्ता सारा लेके साथ में थोड़े फ्रूट्स लेके पहुंच गए हम घर, और घर घुसने से पहले बता दूं न्यूज अभी तक चल रही होगी गारंटी, यस आई वाज राइट, न्यूज के बिना तो रहा ही नहीं जाता घर वालों का, और न्यूज की वजह से ना मैं हो चुका हूँ गेट आउट नवाब को सैर करवाने के लिए। ओए होए छलांगा देखो तो लॉन्ग जंप दे विच पा देना मैं, और एक चीज और दिखाता हूँ आज बारिश की वजह से गाड़ी का क्या हाल हुआ है भाई, ऐसा लग रहा है मिलिट्री वालों की गाड़ी है, कैमोफ्लाज है पूरा, पत्तों से भर गई है। अभी ना मैं घर आया और बहुत ज्यादा खुश था कि टीवी बंद है, जैसे ही मैं जाने लगा अपने कमरे में ये देखिए, डैडी बस करो, कितनी न्यूज चेक करवाना पड़ेगा, कोई बीमारी है, इतनी न्यूज कोई नहीं सुनता है।
मेरे को न्यूज से नफरत इसलिए है क्योंकि बचपन से लेके अब तक टीवी पे न्यूज ही देखते आए हैं। न्यूज चलो मैं मानता हूँ न्यूज अच्छी चीज है, पर न्यूज तो होए, ये न्यूज थोड़ी होती है कि डिबेटे चल रही है, न्यूज चैनल पे एडे चल रही है। तू क्या कहना चाहेगी, न्यूज अच्छी चीज है? जो हमारे घर पे चलता है वो क्या है? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट भी नहीं है यार, सिर दर्द की दवाई है। मैं तंग आ गया हूँ यार, मैं सच्ची तंग आ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आता जिस टाइम पे वो टीवी पे न्यूज चल रही है उस टाइम मैं क्या करूँ। वो आवाजें मेरे कान में जाती है, मैं नहीं चाहता मेरी आवाज में इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, गंद, शोर शराबा जाए। बहुत इरिटेटिंग चीज है। मेरे साथ कौन कौन सहमत है यार? मुझे ऐसा लग रहा है इस घर में शायद मैं अकेला ही हूँ ऐसा, या मेरे जैसे और भी है मतलब इस घर के बाहर। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा सर्दियों का एक जो रूटीन है इस घर का, वो ये है कि मम्मा बनाते हैं हर रोज सूप, जो कि मैं पीना पसंद नहीं करता हूँ, काफी बारी मैं नहीं पीता हूँ, पर कल मैंने पिया था और आज भी पी रहा हूँ, क्योंकि कल और आज बना है टमाटर का सूप जो कि अच्छा नहीं, है। मेरे ख्याल से मिक्स वेजिटेबल्स का है। नहीं, टमाटर का है। अच्छा, टमाटर के अंदर सब्जियां भी डाल दी होगी। घर का सूप है ना, सब कुछ चलने दो। और जौन सा सूप मैं पीना पसंद नहीं करता हूँ घर पे, वो है खरोड़े का सूप। मतलब नहीं, मम्मा ना बना देते हैं पर वो इतना अच्छा नहीं होता है। वो ऐसे है कि बस बीमारों वाला सूप है। अगर आपने वो मूवी देखी है ना किलर सूप, किलर सूप में जो सूप बनता है ना डिट्टो, मम्मा वैसा ही सूप बनाते हैं। हंसना चाहिए इस पे। सूप बनाते हैं खरोड़े का सूप पिया तूने? खरोड़े का सूप का ना टेस्ट हर किसी का डेवलप नहीं होता। मेरे को, मैं तो लाइफ में पहली बार खरोड़े का सूप पिया है। पाया सूप, पाया आपको पसंद है? मामा के हाथ का पाया सूप आपको पसंद है? मम्मा पापा के लिए बनाया करो रोज, पापा पी लेंगे, पापा हेल्थ के लिए वैसे भी पी लेंगे। और पीछे से मम्मा कह रही है पापा अगर रोज ले आएंगे तो रोज बच जाएगा। और मुझे पता है पापा जब मम्मा के सामने बोल रहे हैं कि मैं पी लूंगा, पिएंगे नहीं, कोई नहीं पिएगा। और जी आज का डिनर होने वाला है मसाला इडली का। दरअसल मम्मा ने पहले बनाई थी नॉर्मल इडली, फिर मैंने बोला कि थोड़ा फ्यूजन करते हैं अच्छे वाला इडली के अंदर, कड़ी पत्ता सार में, चटनी सार में, गन पाउडर और थोड़ा लहसुन का अचार डाल के। ये वाली टेस्ट करके देख, ये वाली, ये अलग है। फ्यूजन वाला आइडिया तुम ही देते हो। हाँ, ये खा के देख कैसी है। तुम्हें सिंपल तो कुछ पसंद आता है? नहीं नहीं आता है, तू है ना सिंपल पसंद। अच्छी है ना, इसमें लहसुन का अचार भी मिलाया और इसमें नहीं होगा। नहीं है, ये मेरे लिए अलग है कि तुम खाओ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, खाना पीना हो चुका है, डन, अब बारी आ चुकी है सोने की। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं हम खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, दोस्तों के शेयर करना, इन शॉर्ट रीति रिवाज पूरा करना। बाकी मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। और व्लॉग की समाप्ति के बाद आपको दिखाना चाहूंगा कुछ ऐसे चेहरे जो होते हैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, अल्ट्रा सेंसिटिव, क्योंकि इनको हीटर के बिना नींद ही नहीं आती है। स्पेशली हीटर चलाया और फिर सोएंगे। ज्यादा गर्म था ना, इधर थोड़ा कम गर्म था, मैंने कहा थोड़ी देर में बंद कर देना। ओह माय गॉड, पर्दे को आग ही लगा देती फिर गर्म करता था। तो चल बे, ट्राई कर सकते हैं। इतने सेंसिटिव ना बना करो, ये हीटर वूटर नहीं यूज किया करो। मैं कहां करती थी, मैंने भी शुरू किया।